दोस्तों इंटरनेट में आपको कई सारे ऐसे वीडियोस दिखाए जाते हैं या फिर कई सारे ऐसे पोस्ट मिल जाएंगे जिनमें आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप अपने मोबाइल में LTE को वोल्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या सच में हम अपने मोबाइल में LTE को वोल्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपने मोबाइल में LTE को वोल्टी में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऐसे में आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों LTE को वोल्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर नहीं, ये जानने से पहले आइए सबसे पहले हम शॉर्ट और सिंपल तरीके से जान लेते हैं कि आखिर में ये LTE और वोल्टी होता क्या है, इसका बेसिकली क्या यूज है। तो LTE का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और वोल्टी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वॉइस ओवर LTE यानी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। जिस तरह 2G 3G और 4G टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड होता है, उसी तरह LTE और वोल्टी भी एक तरह से स्टैंडर्ड ही है, जिसे खास करके हाई स्पीड इंटरनेट और कॉलिंग कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए बनाया गया है। इसकी मदद से आप HD वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। LTE को इसलिए बनाया गया है ताकि आप अपने मोबाइल में हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें, और वोल्टी को इसलिए बनाया गया है ताकि आप अपने मोबाइल में हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ एक अच्छी कॉलिंग कनेक्टिविटी भी प्राप्त कर सके, यानी आप अपने मोबाइल में HD वॉइस कॉलिंग भी कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर आपको LTE और वोल्टी के बारे में कुछ जरूरी बातें पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला यह है कि अगर आपके मोबाइल में 4G सपोर्ट है तो ही आपके मोबाइल में वोल्टी सपोर्ट होगा, क्योंकि वोल्टी जो बेसिकली वर्क करता है वो 4G नेटवर्क पर ही काम करता है। तो अगर आपका मोबाइल 4G है तो ही आपके मोबाइल में वोल्टी सपोर्ट होगा। इसके बाद जो दूसरी बात वो ये है कि अगर आपके मोबाइल में वोल्टी सपोर्ट है तो ऐसे में आपके सिम कार्ड में भी यानी नेटवर्क जो भी आपने लिया है उसमें भी वोल्टी सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप वोल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी बात वो ये है कि अगर आपके मोबाइल में वोल्टी सपोर्ट है, आपके सिम कार्ड में भी वोल्टी सपोर्ट है और आप किसी को कॉल करें, तो ऐसे में उस यूजर के मोबाइल में और सिम कार्ड दोनों में वोल्टी सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप HD कॉलिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको क्लियर होने चाहिए वोल्टी के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम सीधा बात करते हैं कि क्या वाकई में LTE को वोल्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों LTE को वोल्टी में कन्वर्ट करना लगभग मुश्किल है। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे फोन्स होते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिससे आप LTE से वोल्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी तब जब आपको कंपनी की तरफ से सॉफ्टवेयर अपडेट दिया जाए। इसके साथ ही आपके मोबाइल में वो फ्रिक्वेंसी बैंड सपोर्ट होना चाहिए जो वोल्टी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब है तो शायद आपका मोबाइल LTE से वोल्टी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो भी दोस्तों तब जब कंपनी की तरफ से सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड किया जाए। अब ऐसे में 100% गारंटी नहीं है कि आपका मोबाइल LTE से वोल्टी में कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आपको इंटरनेट पर कई सारे ऐसे वीडियोस, कई सारे ऐसे आर्टिकल मिल जाते हैं जिसमें आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप अपने मोबाइल को LTE से वोल्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पर जो आपको तरीका बताया जाता है वो आपसे कहा जाता है कि आप अपने मोबाइल को रूट करें, अपने मोबाइल में कस्टम रोम इंस्टॉल करें, अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस करें। इसके साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आप अपने मोबाइल में *#*#4636# ऐसे ही कुछ टाइप करें और आपका मोबाइल LTE से वोल्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप उन सभी मेथड को एक एक मेथड को ट्राई कर लो, फिर भी आपका मोबाइल LTE से वोल्टी में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपके मोबाइल में वो स्पेसिफिकेशन है यानी आपका मोबाइल फ्रिक्वेंसी बैंड सपोर्ट करता है वोल्टी को, तो शायद कहीं पे आपका मोबाइल LTE से वोल्टी में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन 100% गारंटी है कि आपका मोबाइल LTE से वोल्टी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऐसे में आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने फोन के साथ रिस्क भी ले रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसीजर में आपसे कहा जाता है कि आप अपना मोबाइल रूट करें और कस्टम रोम इंस्टॉल करें या फिर कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस करें। तो ऐसा करने से आपके मोबाइल में कई सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, कस्टम रोम इंस्टॉल करने से आपके मोबाइल में कई सारे दिक्कत भी आ सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप इन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, क्या आप अपने मोबाइल में LTE को वोल्टी में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी तरीके बताए जाते हैं क्या आप उन्हें फॉलो करेंगे, क्या आप अपने मोबाइल के साथ रिस्क लेंगे, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये LTE और वोल्टी होता क्या है, क्या वाकई में LTE को वोल्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर नहीं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, मन में कुछ चला तो नीचे कमेंट करें, और अगर आपने मुझे सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।